एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद 35वां सूक्त, ऋषि हिरण्य स्तूप। परमेश्वर की तरफ जाने वालों के लिए जो प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, ऐसा ऋषि, देवता सविता, परमात्मा का वो स्वरूप जिसने अपने भीतर से इस जगत को प्रसव किया है। छंद जगति स्वर निषाद, मंत्र संख्या 1। ओम हवयाम्य अग्निम प्रथमम स्वस्तये हवयामि मित्रा वरुणा विहावसे हवयामि रात्रिम जगतो निवेशनीम हवयामि देवम सवितारमूतये। जो सबसे पहले विराजमान आदि देव परमात्मा अपनी महिमा में विद्यमान था, मैं उसे पुकारता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी चित्तवृत्ति विषय विकारों में ना फंसे, मेरे प्राण व उदान वायु ठीक से कार्य करें, ताकि प्राण शरीर को शुद्ध करे, उदान गले की ग्रंथि को ठीक रखे, रात्रि में हम ठीक से सो सकें और जितेंद्री बन सकें। सूर्य के सन्मुख खड़ा हे परम ब्रह्म, मैं तेरे मंत्र को जपता हूँ, मेरा मुख मेरी आत्मा में तेरा दिव्य सौंदर्य और ज्योति दीप्तमान होवे, प्रकाशमान होवे। मंत्र संख्या 2। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न अमृतम मर्त्यम च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भवनानि पश्यन। हे परम ब्रह्म, सूर्य के सामने खड़ा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। जैसे यह सूर्य लोकों का केंद्र है, सबको आकर्षित करता है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है, मुझे भी तू ऐसा ही बना दे। यह सुनहरे रथ वाला सूर्य प्रजाओं का प्राण है, जितना अधिक जो सूर्य की किरणों में रहता है वह उतना ही स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। यह सबका हित करता हुआ अपने मार्ग पर चलता रहता है, इस सूर्य जैसे ही हम भी बने। मंत्र संख्या 3। याति देवः प्रवता यात युद्वता याति शुभ्राभ्याम यजतो हरिभ्याम आ देवो याति सविता परावतो अप विश्वादुरिता बाधमानः। प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला यह सूर्य दक्षिण पथ और उत्तर पथ इन दो मार्गों में चलता है, इसकी किरणें ही इसके अश्व हैं। 7 प्रकार की किरणें इंद्रधनुष में प्रकट होती हैं, चंद्रमा भी सूर्य किरणों से ही चमकता है। उदय होता हुआ सूर्य अनेक रोग कीटाणुओं को नाश करता है। यह सूर्य अपनी किरणों से हमारे भीतर मानो स्वर्ण के इंजेक्शन लगाता है, रोगों को दूर भगाकर हमें ऊर्जावान बनाता है। मंत्र संख्या 4। अभिव्रतम कृष्णैर विश्वरूपम हिरण्य शम्यम यजतो ब्रहन्नतम आस्था द्रधम सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसी तवीशीम दधानः। सूर्य अपने रथ पर स्थित होकर चारों तरफ अपनी किरणें फैलाता है। सूर्य जल का वाष्पीकरण करके जल वर्षा करता है। वर्षा के बिना इस संसार का रूप मृत पुरुष जैसा है। सूर्य की एक एक किरण सुई जैसी है, इसके सामने सब ज्योतियां मंद पड़ जाती हैं। पृथ्वी में अन्न
वनस्पति भी सूर्य की शक्ति से ही उगते हैं। सूर्य की किरणें विभिन्न रोगों को नष्ट करती हैं। ये किरणें प्राण शक्ति को बढ़ाती हैं, शारीरिक कमजोरी को भी दूर करती हैं। मंत्र संख्या 5, विजनाम छयावह अख्यनरद्धम हिरण्य प्रउगम वहंतः शश्वद्विषः सवितुर देव्य स्योपस्थे विश्वभुवनानि तस्थुः। यह सूर्य पार ब्रह्म परमेश्वर की विभूति है, संसार के लिए एक स्वर्ण दीप उपहार है। समस्त लोक इसके आकर्षण से बंधे इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। सूर्य का यह पिंड ही मानो एक रथ है, किरणें इसके घोड़े हैं, वे प्रकाश मुख वाले हैं। संपूर्ण प्रजाएं वे लोक इसी के निकट स्थित हैं, इसी से वे कर्म करने की प्रेरणा पाते हैं। सूर्य उदय न हो तो सब प्राणी मृतक के समान शक्तिहीन हो जावे। मंत्र संख्या 6, तिस्त्रो ध्यावह सवितुर्द्वा उपस्थाम एकायमस्य भुवने विराशाट आणिम्न रथ्यम मृतादि तस्थुरिह ब्रवीतुय त तच्चिकेतत। परमेश्वर की ज्योति इस सूर्य के निकट तीन प्रकाश में द्युलोक हैं, दो तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में तथा तीसरा प्रद्यो सूर्य के ऊपर है, जिसमें दिव्य आत्मा वाले प्रकाशित देवता निवास करते हैं। नीचे के दो लोकों में पितरगण निवास करते हैं, उच्च लोकों में वे निवास करते हैं जो ईश्वर के मार्ग में वीरों की तरह डटे रहते हैं और कभी पीठ नहीं दिखाते। मंत्र संख्या 7, विसुपर्णो अंतरिक्षाण्य ख्यद गभीरवेप असुर सुनीथ क्वेदानिम सूर्य कश्चिकेत कतमाम ध्याम रश्मिर अस्य ततान। यह सूर्य अंतरिक्ष में स्थित लोकों को विशेष रूप से प्रकाशित करता है। यह अत्यंत गंभीर कंपन वाला है, इसका अपनी कील पर घूमना इतना गंभीर है कि वह दिखता नहीं, यह स्थिर सा प्रतीत होता है। यह प्राण शक्ति को देने वाला है। यह सूर्य बारी बारी से अपने सामने आए भूभाग को प्रकाशित करता है। रात्रि में किस समय यह किस भूभाग को प्रकाशित कर रहा है, कौन भला ठीक ठीक इस बात को जान सकता है। मंत्र संख्या 8, अष्टो व्यक्षत ककुभः पृथ्वीया स्त्री धन्व योजना सप्त सिंधून हिरण्याक्षः सविता देव आगत धद्रत्न दाशुषे वार्याणि। ईश्वर की ज्योति यह सूर्य पृथ्वी की 8 दिशाओं को प्रकाशित करता है। सूर्य की तरफ मुंह करके जो यज्ञ हवन ध्यान प्राणायाम किए जाते हैं, उस समय यह सूर्य साधक को निरोगता बल वृद्धि व मानसिक शांति सप्त धातुओं में वृद्धि तथा आंखों की ज्योति को भी बढ़ाता है। सैकड़ों तरह के रोग प्रातःकाल की धूप से स्वतः ठीक हो जाते हैं। इस समय नींद और आलस में नहीं पड़ा रहना चाहिए। मंत्र संख्या 9, हिरण्यपाणि ही सविता विचर्षणी रूभे
ध्यावा पृथ्वी अंतरीयते, अपामीवाम वादते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रजसा ध्यामरणोति। सूर्याभिमुख होकर ध्यान या यज्ञ में बैठे लोगों के खुले शरीर पर, मुख, मस्तक पर, छाती पर यह सूर्य अपने हाथों में स्वर्ण लिए मानो सुनहरे प्रकाश के सूक्ष्म इंजेक्शन साधकों को लगाता है, उनके भीतर सुनहरी शक्ति व ऊर्जा को भर देता है, यह दृष्टि की शक्ति को विशेष रूप से बढ़ाता है, रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर डालता है। खुली आंखों सीधे सूर्य को टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिए। मंत्र संख्या 10। हिरण्यहस्तो असुरः सुनीतः सुम्रलीकः स्ववाम यात्व वाल्ड। अप्से धन्र अक्षसो यातु धाना नस्थात देवः प्रतिदोषं ग्रणानः। स्वर्ण है किरण रूप हाथों में जिसके, ऐसा यह सूर्य प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला, रोग आदि बाधाओं को दूर करने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, प्रशंसनीय, जिसके सामने खड़े देवता ऋषिगण तथा उत्तम पुरुष उस परम ब्रह्म आदि देव परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। इस सूर्य की किरणें हमें निरोगता और सुंदरता प्रदान करें। मंत्र संख्या 11। ये ते पंथाः सवितः पूर्व्यासो अरेणवः सुकृत अंतरिक्षे तेभिरनो अद्य पृथिभिः सुगेभि रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, तू हमें सूर्य की तरह ज्योतिर्मान व दृढ़ कर्म से अलंकृत कर। जैसे सूर्य अपने उच्च मार्ग में गति करता है, ऐसे ही उच्च विचारों में, उच्च कर्मों में हमारा जीवन विचरण करे। सूर्य का मार्ग धूल से रहित है, हे प्रभु हमारा मार्ग भी दोष युक्त विचार और दूषित कर्मों से रहित हो। ईश्वर की ज्ञान ज्योति को हम अपनी आत्मा में धारण करें तथा संसार में ज्ञान के उस प्रकाश का विस्तार करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। 35वां सूक्त समाप्त। ओम शांति 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 ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।